नमस्कार दोस्तों, बिहार में इन दिनों बाढ़ से तबाही मची हुई है, तो इसी तबाही को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7-7 हज़ार रुपये की राशि, सहायता राशि जो है वो बाढ़ राहत के रूप में दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि DBT के माध्यम से पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, रेगुलर पैसा जो है वो भेजी जा रही है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्म को कैसे भरना है। देखिए, बिहार सरकार की ओर से लगातार जो है राहत योजना चलाई भी जा रही है और राहत राशि भी दी जा रही है। तो फर्स्ट फेज में जो है दोस्तों पैसा जो है भेज दिया गया है। पहले चरण में पैसा जो है 4 लाख परिवारों को जो है पैसा भेजा गया है, 7-7 हज़ार रुपये। 4,38,529 लोगों को ये पैसा जो है 7-7 हज़ार रुपये भेज दिया गया है। देख पा रहे होंगे भुगतान की कुल राशि जो है 7,000 रुपये करके जो है प्रति व्यक्ति दे दिया गया है, जिसमें 300 करोड़ से ज़्यादा, 306 करोड़ जो है वो सरकार ने खर्च किया। तो कौन कौन से जिले में कितने लोगों को मिला है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो नालंदा की बात करें तो 721 लोगों को मिल चुका है ये पैसा। भोजपुर में 45,380 लोगों को मिल चुका है। सारण में 14,472 लोगों को मिल चुका है। वैशाली में 36,678 लोगों को ये पैसा मिल चुका है। समस्तीपुर में 30,115 लोगों को मिला है। बेगूसराय में 72,683 लोगों को मिला है। लखीसराय में 8,489 लोगों को। इसी प्रकार से मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार के क्षेत्रों में जो है ये पैसा दिया गया है। ये पैसा DBT के माध्यम से भेजा जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, और ये पैसा मुख्यमंत्री द्वारा जो है ये भेजा गया है। फर्स्ट चरण का पैसा जो है वो भेज दिया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। देखिए, एक नोटिस भी यहाँ पे प्रकाशित की गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित 13 जिलों के परिवारों के खाते में अनुग्राहिक राहत की राशि का किया शुभारंभ। बाढ़ के दौरान चलाए गए राहत एवं बचाव कार्य की उच्च स्तरीय समीक्षा की अधिकारियों को दिए गए निर्देश। तो 4/10/2024 को प्रथम चरण की बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में 7-7 हज़ार रुपये की अनुग्राहिक राशि हस्तांतरित की गई है। द्वितीय चरण के बाढ़ से प्रभावित परिवारों को दुर्गा पूजा के पूर्व यानी 9 अक्टूबर को उनके खाते में राशि अवश्य हस्तांतरित जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, ये निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल की क्षति हुई है उसका आकलन करके भी हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो फसलों की नुकसान हुई है उसका पैसा अलग से दिया जाएगा, उसका आकलन भी कराया जाएगा। तो बाढ़ के दौरान जिन बांधों की क्षति हुई है उसका निर्माण भी फिर से कराया जाएगा। अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आवेदन जो है ऑफलाइन किया जा रहा है। ऑफलाइन कैसे आवेदन होता है? जो बाढ़ राहत कैंपों में रह रहे हैं या जो आपके आसपास के प्रतिनिधि हैं, जैसे ब्लॉक लेवल ऑफिसर, सब डिवीज़न लेवल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के माध्यम से जो है एक लिस्ट तैयार की जाती है। उस लिस्ट में जिसका नाम आता है उसी लोगों को जो है पैसा भेजा जाता है। तो इस लिस्ट में आपका नाम कैसे आएगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए। दूसरे चरण का जो आपदा प्रबंधन विभाग का जो है वो भी नोटिस जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं, बाढ़ 2024 फेज 2 दैनिक प्रतिवेदन जारी कर दिया गया है। दिनांक 5/10/2024 9:30 बजे पूर्वाह्न तक का जो है देखिए यहाँ पे जारी कर दिया गया है कितने लोग प्रभावित हुए हैं। तो गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा एवं अन्य नदियों में आई बाढ़ के कारण 18 जिलों यथा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज, सारण एवं खगड़िया जिले के 87 प्रखंडों में 505 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत लगभग 17,14,000 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई है। तो अब जो है द्वितीय चरण में इन्हीं जिलों के और ये जो 87 प्रखंड दिखाया गया, 505 ग्राम पंचायत दिखाया गया, तो इन्हीं क्षेत्रों को जो है दूसरे फेज में पैसा मिलने वाला है। तो इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अगर ये पैसा अभी आपको प्राप्त करना है सेकंड चरण में, तो कोशिश करिए कि आप राहत कैंप तक पहुंच जाइए।
क्योंकि उसका जो लिस्ट तैयार होता है वो राहत कैंप में ही तैयार किया जाता है। देख सकते हैं राहत कैंप के लिए जो है बनाया गया है, हर जिले में जहाँ भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ हर जगह में बाढ़ राहत कैंप बनाया गया है। कैंप में जाके आप अपना नाम जो है उसमें ऐड करवा सकते हैं। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप अपने जनप्रतिनिधि से बात करें, यानी आपके जो लोकल नेता हैं जैसे मुखिया हो गया, या फिर आप अपने प्रखंड से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे ये भी पता है कि आपके क्षेत्र में अगर बाढ़ आई हुई है तो प्रखंड वगैरह सब बंद होगा, लेकिन कोशिश करिए कि जनप्रतिनिधि से मिल लीजिए, या फिर आप जो है बाढ़ राहत कैंप तक पहुंच जाइए तो वहां आपका नाम जो है जोड़ दिया जाएगा लिस्ट में। और बाढ़ राहत कैंप पहुंचने पे आपको फायदा ये भी है कि आपको खाने पीने की सामान जो है वो भी चावल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है वहाँ पे, जैसे कि चूड़ा, चना, चीनी, मोमबत्ती, माचिस, सब कुछ, ORS और दवाइयाँ वगैरह भी जो है आपको बिहार सरकार मदद जो है वो करा रही है, और पैकेट पैकेट वाला खाना भी आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। देख सकते हैं चावल वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा अगर आप बाढ़ राहत कैंप तक पहुँच जाते हैं। और जो पहुंच गए हैं उनको तो लाभ मिल ही रहा है, अगर आपको नहीं मिला है तो आप जाके वहां से संपर्क कर सकते हैं। तो बाढ़ राहत कैंप में आपको मसाला, नमक, जो भी मतलब ज़रूरत का सामान है वो सारा वहां पे उपलब्ध करवाया गया है। देख सकते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा भी इंस्पेक्शन किया गया था, तो सभी कुछ जो है सोयाबीन वगैरह देख सकते हैं मिल रहा है, तो वहाँ पर आप जाकर इसे चावल वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, तो वो भी सारा कुछ मुहैया कराया गया है। तो बाढ़ राहत कैंप तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको सारा का सारा लाभ प्राप्त हो सकता है। देख सकते हैं सारा कुछ बैठक वगैरह जो है बाढ़ राहत कैंप में ही आयोजित की जाती है, तो लिस्ट में भी नाम जो है वहीं पर आपका जोड़ा जाएगा। या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने जनप्रतिनिधि से संपर्क करें, लोकल जनप्रतिनिधि जो है मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, या फिर अपने ब्लॉक से संपर्क कर सकते हैं, पंचायत सचिव हो गया, पंचायत प्रखंड पदाधिकारी हो गया, CO हो गया, ये सबसे संपर्क करिए तो आपका नाम जो है उस लिस्ट में जो है जोड़ दिया जाएगा। और जो मैंने आपको अभी बातें बताएं कि लिस्ट में कैसे नाम जोड़ा जाएगा, इसके लिए विज्ञापन जारी करके देख सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह जारी करके सब कुछ यही सब चीज़ें जो है वो बताया गया है। और दोस्तों जो लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा। अगर ऑनलाइन आवेदन सरकार ले भी लेगी तो जानते हैं कि जो जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको ना मिलकर दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेंगे, इसलिए सरकार भी जानती है, तो इसको ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा। जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं वहीं पे लिस्ट तैयार होगी और उसी लिस्ट के अनुसार पैसा मिलेगा। तो आप अपने नज़दीकी कैंप से संपर्क कर लीजिए, आपका नाम अवश्य जुड़ जाएगा और आपको राहत राशि भी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 9 अक्टूबर को पैसा मिलना है, तो जल्दी से अपना नाम जुड़वा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।